Dear students, welcome in the lecture on heterocyclic pentadiene complexes. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. और आपने देखा एक डाइन की हमने सीरीज देखी, डिफरेंट टाइप के हमने डाइन कॉम्प्लेक्सेस देखे. हमने ब्यूटाडाइन का कॉम्प्लेक्स देखा, हमने साइक्लोब्यूटाडाइन का कॉम्प्लेक्स देखा, हमने साइक्लोपेंटाडाइन का कॉम्प्लेक्स देखा. अब हम एक नया तरीके का जो डेरिवेटिव है पेंटाडाइन का आप देखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कहां पर यूजफुल होते हैं, ठीक है, और कैसे इनकी प्रिपरेशन की जाती है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो अगर हम हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिसे हम C5H5 कहते हैं, ये एक लिगेंड है जो कि पाई लिगेंड है, इसमें अगर हम CH ग्रुप को हेट्रो एटम से रिप्लेस कर दें, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के CH को अगर हम किससे रिप्लेस कर दें, हेट्रो एटम में भी NPASO और सल्फर, ये कोई भी हेट्रो एटम हो सकते हैं, तो हम अगर उसको रिप्लेस करेंगे तो एक हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट होगा. देखिए यहाँ पर हेट्रो एटम आ गया, ठीक है. तो ये जो हेट्रोसाइकिल जो पेंटाडाइन बना ये क्या कर सकता है, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बिल्कुल साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है. और साइक्लोपेंटाडाइनाइल हम पढ़ेंगे, हमने जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वहां पर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बारे में भी पढ़ेंगे. तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बस आप इतना समझ लीजिए कि C5H5 होता है, ये ईटा 5 टाइप का लिगेंड है और ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है. कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है. तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो हम देखेंगे कि जो हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम CH को देखेंगे, CH देखिए कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 4, कितने होते हैं 4, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1, तो टोटल इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 5 है. और अगर हम N को देखें, P को देखें, AS को देखें तो इनके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए बराबर. इसका मतलब है कि CH इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NPAS. तो ये जो हेट्रो एटम्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये बिल्कुल कैसे एक्ट करेंगे, जैसे CH ग्रुप एक्ट करता है. तो इसलिए आप देखेंगे ये पाइरोलाइल है, पाइरोलाइल जहां पर N ने CH को रिप्लेस कर दिया है, P फॉस्फोराइल जहां पर CH को P ने रिप्लेस किया है, और ये है आर्सोलाइल जहां पर CH को AS ने रिप्लेस किया है. तो बिल्कुल कैसा हो गया, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल की तरह. तो इसलिए ये तीनों कैसे होंगे, दे आर ऑल्सो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज. तो ये तीन जो स्पीसीज हैं ये भी क्या होंगी, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह एक्ट करेंगी, ओके. अब हम दूसरे हेट्रो एटम्स को देखेंगे कि अगर मैं हेट्रो एटम में एस को CH से रिप्लेस करना चाहूं, ठीक है, किसमें, साइक्लोपेंटाडाइनाइल में, तो आप देखेंगे कि CH जो है 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन अगर सल्फर को हम देखेंगे तो वो कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है सल्फर. तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल में CH को S से रिप्लेस कर दें तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड है ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर सल्फर को रिप्लेस करेंगे ये किसकी तरह काम करेगा, बेंजीन एरीन ग्रुप की तरह, ये ओके एरीन ग्रुप, क्योंकि ये जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है C6H6, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये दोनों एक सी तरह से एक्ट करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं अगर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल में सल्फर है देखिए, और बाकी आप देखेंगे सिमिलर है, और इसको देखिए यहां पर आप देखिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, यहां पर एरीन ग्रुप है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल नहीं है, तो अब आप देखिए कि ये अगर हम देखें तो ये है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बेंजीन, ओके.
ये जो कार्बोनल्स हैं ये कितने प्रोवाइड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो क्रोमियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, अब आप इसको देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है कि ये जो पूरा जो लिगेंड है ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब हम ये सिस्टम ले या ये सिस्टम ले, दोनों एक से है। तो ये जो सल्फर हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग में जो सीएच से रिप्लेस किया है वो बिल्कुल एरीन की तरह काम करेगा। वहीं पर अगर हम जो बोरॉन है उसको अगर हेट्रोएटम की तरह यूज करें, ठीक है, तो बोरॉन को अगर हेट्रोएटम की तरह यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीआर हमने लिया, बीआर कोई एल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एल्काइल ग्रुप, और ये जो B है ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 3+1 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है CH, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप देखेंगे कि अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल में BR ग्रुप जोड़ दें तो वो कितनी इलेक्ट्रॉन डोनर होगी, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, और अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल होगी तो कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रही है। तो हम अगर देखिए मेटल सेंटर को चेंज कर दिया हमने यहां पर, देखिए ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यहां पर जो मेटल सेंटर है वो क्या है, आयरन, ठीक है। अब आयरन के लिए अगर हम इनके लिए देखना चाहें, इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहें, तो देखिए इस आयरन के जो इलेक्ट्रॉन जो आप देखेंगे वो कितने होते हैं आयरन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो आप एक आयरन सेंटर के चारों ओर देख सकते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मैं यहां पर देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, बाकी जो ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये यहां पर भी है देखिए 2। तो हम केवल इसके चारों ओर का मामला देख रहे हैं इन दोनों ब्रिजिंग को छोड़कर। अब आप देखिए इस कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इस रिंग को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बाकी आप देखेंगे, बाकी तो ये दोनों तो एक से हैं, लेकिन हमें केवल कोबाल्ट के इस ब्रिजिंग कार्बोनिल को छोड़कर हम बाकी इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो 9 और 4 13 और 2 15, और अगर यहां देखें 8 5 13 और 2 15, यानी ये जो इक्वल हो गया, देखिए हमने एक जो मेटल है वो सेंटर अगर बदल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है क्योंकि ये रिंग जो है एक इलेक्ट्रॉन कम दे रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक से इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे। तो इस बेसिस पर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन लिगेंड्स। तो ये एक प्रकार है उसका, ठीक है। अब आप देखिए प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, जो हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमने फॉस्फोराइल लिया, उसका लिथियम सॉल्ट ले लिया, और उसकी रिएक्शन जब FeCl2 से करी, बिल्कुल जैसे हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल की प्रिपरेशन करते हैं ऐसे ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, देखिए ये कुछ एक तरीके से कह सकते हैं जैसे मेटोलोसिन होता है फेरोसिन, ऐसे ही यहां पर एक जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो यहां पर है, एक फॉस्फोराइल ग्रुप यहां है, और आयरन इसके बीच में क्या हो गया, सैंडविच हो गया। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऐसे ही देखिए फास्फोरस के साथ यहां पर हमने C6H5 ले लिया है, और इसकी रिएक्शन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जब कराई तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या मिला, फॉस्फोफेरोसिन, फॉस्फोफेरोसिन मिला, कि एक साइड तो फॉस्फोरिल है और दूसरी साइड क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। तो इस तरीके से हम हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। अब आप देखिए नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स है, ये हमने नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स पाइरोलाइल ले लिया, और इसकी रिएक्शन जब हमने ये जो पहले से ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उसके साथ कराई हमने, तो हमें ये हीटिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स मिला वो एजाफेरोसिन मिला। तो एक साइड तो जो है वो आप देखेंगे क्या है, पाइरोलाइल है, और एक साइड क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं लगभग वही मेथड से हैं जो कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल को प्रिपरेशन में यूज करते हैं, वही मेथड्स हम यहां पर यूज कर पाएंगे।
अगर हम जो हेट्रोसाइक्लिक जो पेंटाडाई इन कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टी देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो इनका हेट्रो एटम है, अगर आप देखेंगे तो ये हेट्रो एटम के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हेट्रो एटम है ये एक लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है और ये एक देखिए मेटल कार्बोनिल के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। और आप देखिए कि ये जो मॉइटी है वो कहां जुड़ गई, इस फॉस्फोरस के साथ, इस फॉस्फोरस के साथ। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहां पर बन जाएगा आयरन सेंटर, और यहां पर भी आयरन सेंटर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप देखेंगे जो हेट्रो एटम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन फर्दर एक्ट एज अ लिगेंड। सो ये आप देखेंगे कि जो हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन है उसके बारे में हमने देखा, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। इसमें आपने देखा कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो लिगेंड है उसमें अगर CH को रिप्लेस कर दे हेट्रो एटम से तो क्या बन जाएगा, तो आपने देखा कि हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन लिगेंड बनेगा। और हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन में अगर जो हेट्रो एटम है NPAS होंगे तो वो बिल्कुल साइक्लोपेंटाडाइन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, लेकिन अगर यहां पर S हमने रिप्लेस किया तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है जो कि बेंजीन की तरह एक्ट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर यहां पर हेट्रो एटम बोरॉन होगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, हमने वही स्टडी करी और वो बिल्कुल वही मेथड से, केवल यहां पर जो लिगेंड है वो हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल की जगह पर हमने क्या लिगेंड रख दिया है, जो फॉस्फोराइल है, जो भी हमें हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन लेनी है उस लिगेंड को हम यहां पर रखेंगे। और इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में मेन जो प्रॉपर्टी आपने देखी वो ये देखी कि जो ये फॉस्फोरस है, जो ये हेट्रो एटम्स है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन ऑल्सो एक्ट एज द लिगेंड्स। ओके, सो दिस इज all about the heterocyclic pentadiene ligands and बस इसमें जो आपने देखा कि बहुत अधिक जानकारी हमें अवेलेबल नहीं है, तो जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उसको जिस्ट देने की कोशिश की कि जो जो हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या वो जो लिगेंड है हेट्रोसाइक्लिक पेंटाडाइन वो कैसा होता है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।